थैंकफुली मुझे हर बार यहाँ पर आने का मौका भी मिलता है, बट हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहता है यहाँ पर आने के लिए। बहुत बढ़िया। हम सुकीर्ति मैम जो है उनके प्रोग्राम में आपको बहुत बार देख चुके हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं यही उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत करके एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया है, इंडल्ज ब्रांड, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इसको एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज भी बनाया है, तो वो मुझे लकी मानती हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो यू नो क्या बोलते इक्वेशन जो है वो जारी रहे, और मैं हमेशा उनके ब्रांड में जितना भी योगदान कर सकता हूँ मैं करूँ, और उनको हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, और शुभकामनाएं देता रहूँ। तो उनके लिए क्या कहूँ, मतलब शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमन, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंडल्ज ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है, और उनके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो वो खुद आपको बताएंगी कैसे इस ब्रांड को उनको आगे लेके जाना है, बट एट द मोमेंट हम लोग इस ब्रांड इस सैलून को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत बढ़िया। एवं आमे भी जानचु हुकीर्ति मैम होचन जने सेल्फ मेड एनर्जेटिक वुमेन। तो अफताब जी 1987 मिस्टर इंडिया में जी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, अभी तक भी एकदम मस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, तो फ्यूचर में मूवी को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? हाँ, मुझे कुछ काफ़ी साल हो गए काम करते हैं। बहुत से लोग मुझे सीनियर मानते हैं, हालांकि मैं सीनियर हूँ नहीं। मैं अपने से अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे इतना काम मिलने का करने का मौका मिला है। ऑब्वियसली प्लानिंग तो ये है कि मैं जितना काम कर सकूँ मैं करता रहूँ, और अपने दर्शकों को एंटरटेन करता रहूँ, उनको एक अच्छी फिल्में देता रहूँ, अच्छा कॉन्टेंट देता रहूँ, और हमेशा उनका प्यार प्राप्त करूँ, यही मेरी हमेशा ख्वाहिश रहेगी। एक फिल्म के लिए मैं शूटिंग कर रहा हूँ फिलहाल, जिसका नाम है रिवाज, जो अगले साल आएगी, उसके बारे में ज़्यादा इस वक्त बताना उचित नहीं रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है, इंटेंस फिल्म है, और वो 2023 में आएगी। बस फिलहाल मैं उसके लिए शूटिंग कर रहा हूँ, और दो तीन चीज़ें हैं जो प्लानिंग चालू है, जो मैं जब होगा सारी चीज़ें लॉक हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा। बहुत बड़ा, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। एंड अभी तक आपका सबसे अच्छा फेवरेट डायलॉग क्या है? डायलॉग अभी तक आया नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे बोले कि आपका पहले से ओडिशा के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग है, तो ओडिशा का सिने इंडस्ट्री के साथ आप कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए चाहोगे? आई थिंक अगर मौका अच्छा मिला तो व्हाई नॉट। आई थिंक ओडिया इंडस्ट्री के फिल्म्स बहुत ही कमाल के हैं, और यू नो उनका उनके बहुत टैलेंट है, और यहाँ का फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट। जी, बहुत बढ़िया। आम भी सही दिन को अपेक्षा करूँ, जमी अफताब जी कहले कि केवे ना केवे से ओडिया सिने इंडस्ट्री सहित काम करने चाहिए। अफताब जी, आपको ओडिशा में क्या सबसे अच्छा लगता है, मतलब कोई पर्सन, कोई चीज, मतलब कुछ स्पेसिफिक प्लेस, क्या सबसे अच्छा फेवरेट क्या है? आई थिंक यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ के लोग जिस तरह से वो मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका प्यार, उनकी इज्जत, आई थिंक जब आप कहीं भी जगह पर जाते हो तो वो सबसे एक अहम चीज़ जो आप याद रखते हो वो है लोग, वहाँ के लोग, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स ओडिशा सो स्पेशल, द पीपल। बहुत बढ़िया, आपके साथ बात करके आज बहुत खुश लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी थैंक यू वेरी मच। आपण जेमते देखुथले हम सहित एबे थिले बॉलीवुड रो डैशिंग हीरो अफताब जी थिले, एवं तांको सहित बहुत सारा कथा होतले, ओडिया सिने इंडस्ट्री सहित काम करबा को मध्ये से गोटे स्पेशल इंटरेस्ट रखिछन, जदि सेमति तांको इच्छा मुताबक जदि किछ गोटे प्रोजेक्ट आसे तबे ओडिया सिने इंडस्ट्री मध्ये आमे तांको निहाती देखि परबा। भुवनेश्वर आदित्यंक सह सुब्रज्योति, पीपल ओडिया। निज घर को क्लीन किंबा हाइजीन रखिबा पई किणंतु हाइजीन प्रो, हाइजीन रखिबा रे हाईएस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। फॉर बिजनेस इंक्वायरी कांटेक्ट 7873456786।